हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की, और आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध से संबंधित परिभाषाएं। तो आज हम इन दोनों टॉपिकों का अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। उस वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें किया है और अच्छी चीजें की जानकारी वहां ली गई प्यारे बच्चों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो इस वीडियो को जबरदस्त उन दोस्तों के पास, सभी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जबरदस्त शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज की हेडिंग देखकर आपको जरूर लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अब विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, जैसे कि अगर किसी सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा कहीं भी, मतलब अगर ये करंट प्रवाहित हो रहा है, ये करंट प्रवाहित हो रहा है, समझिए जरा सा, करंट प्रवाहित हो रहा है, इसे हम आई से व्यक्त कर देते हैं, ठीक। अब इस आई के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना है, आई के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है प्यारे बच्चों। आर जिसे हम कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। अब आप समझो, प्लेन रोड पे जा रही कोई बाइक या कोई वाहन, अब इस वाहन को रोकने के लिए सड़क के ऊपर से, सड़क के ऊपर क्या बना दिया जाता है, अवरोधक बना दिया जाता है। जब ये कार चलते हुए यहां तक पहुंचेगी तो इसके स्पीड में, इसकी चाल में कुछ न कुछ कमी आएगी, तब इस अवरोधक को पार करेगा। हमेशा के लिए ये अवरोधक इसको नहीं रोक देता। उसी प्रकार प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों कि धारा को हमेशा के नहीं रोकता, परंतु धारा के मात स्पीड में, धारा की चाल में कमी कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है, यानी जो धारा को रोकता है वो प्रतिरोध कहलाता है प्यारे बच्चों। धारा को रोकना ही प्रतिरोध कहलाता है। तो धारा को हम लोग नहीं रोक सकते, परंतु किसी पदार्थों द्वारा धारा को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे तार को मोड़ दिया जाए तो धारा की चाल कम हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार इसी वायर को हम लोगों ने मोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, तो प्रतिरोध उत्पन्न होने लगा वहां पर, ठीक। तो प्रतिरोध की परिभाषा हम दे सकते हैं कि हम धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, आर से व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें जरा सा और कुछ बातों की, तो जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोध होता है ना उसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो मेगा ओम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मेगा ओम। अब आप कहेंगे सर जी ओम तो बताया ही नहीं, ओम क्या है। अरे भाई ओम तो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का क्या है, मात्रक है, ध्यान देना। ओम प्रतिरोध का मात्रक है और मेगा ओम सबसे बड़ा मात्रक है। अगर हम बात कर ले सबसे छोटे मात्रक की, भैया किसकी बात कर रहे हैं, सबसे छोटे मात्रक की, तो सबसे छोटा मात्रक होता है माइक्रो ओम। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, माइक्रो ओम। सबसे छोटा मात्रक माइक्रो ओम, सबसे बड़ा मात्रक मेगा ओम। अब अगर हम बात करें एक मेगा ओम बराबर कितना ओम होता है, एक मेगा ओम बराबर 10^6 ओम, और एक माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 10^-6 ओम। इस बात को आप समझे, समझ पाएंगे इस बात को, ध्यान से देखिएगा। हमने कहां से शुरुआत किया कि भाई धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, मेगा ओम होता है। एक मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10^6 ओम। भैया प्रतिरोध का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, माइक्रो ओम। एक माइक्रो ओम बराबर 10^-6 ओम। प्रतिरोध का सिंबल क्या है,
प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। अगर हम बात कर ले ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा उषा की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने पढ़ा है, हमने बचपन में आपको छोटे छोटे बचपन में आपको कई गुरु जी लोगों ने पढ़ाया होगा कि भैया जिनको हम परिमाण के साथ दिशा की जरूरत नहीं होती वो अदिश राशियां होती हैं। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों? तो आइए इन सभी कथाओं को हम एक तरह से नोट कर लेते हैं, ठीक। तो गाइस हमने जितनी चीजें अभी इतनी देर तक समझा था उतनी सारी चीजें हमने लिखकर आपको दिखा दिया है, ठीक। आइए एक बार लिखकर समझ लेते क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। भैया धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात कोई धारा फ्लो कर रही है, किसी भी चालक में धारा बह रही है, अगर उसके मार्ग में हम रुकावट उत्पन्न कर देते हैं अब वो क्या कहलाता? प्रतिरोध कहलाता। विशेष बात ये होती है, चालक के गुण का गुण होता है, ये चालक का क्या होता? गुण होता कि चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के मार्ग में हम रुकावट उत्पन्न कर दें उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, जब हम किसी भी परिपथ में प्रतिरोध बनाना चाहेंगे, प्रतिरोध दिखाना चाहेंगे, तो ये प्रतिरोध का सिंबल ये होता है। अब उसी में एक और आ जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जिनको इच्छा अनुसार हम बदल सकते हैं, जिनको इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। परिवर्ती प्रतिरोध में इस प्रकार होता है, इसे हम धारा नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहते हैं, प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर से, कैपिटल आर से प्रतिरोध को व्यक्त किया जाता है, ठीक। आगे यह कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि। अगला, इसका जो मात्रक होता है ये ओम होते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रतिरोध का खोज किया था, ओम। अब उनके नाम पे इसका मात्रक पड़ गया ओम, यानी इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब ओम का अगर आपको सिंबल चाहिए, आप न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान देना है, ओम का सिंबल इस प्रकार बनता है, ठीक। तो ओम का सिंबल हो गया। अब आगे क्या होता है, प्रतिरोध का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो मेगा ओम होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है और सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो माइक्रो ओम होता है। ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? मेगा ओम। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? माइक्रो ओम है। अब एक मेगा ओम बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 10^6 ओम। और एक माइक्रो ओम बराबर होता है 10^-6 ओम। एक मेगा ओम बराबर 10^6 ओम और एक माइक्रो ओम बराबर 10^-6 ओम। इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अब यदि हम क्या बात करें कि यदि किसी तार में आई धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं और उस तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो वी हो, यानी ये कोई प्यारे बच्चों हमने वायर ले लिया, वायर का एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी, इसमें आई धारा प्रवाहित कर दिए और इन दोनों के बीच का जो विभव है वो वी है, तो जो प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों वो प्रतिरोध आर जो होगा वो वी अपान आई के बराबर होगा। अर्थात सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज और प्रवाहित धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या कह रहा है? यदि किसी तार में प्रवाहित धारा आई हो तो सिरों के बीच जो विभवांतर हो वी हो, तो जो प्रतिरोध होगा R इक्वल टू V अपान I। यहां से हम एक परिभाषा और दे सकते हैं प्यारे बच्चों कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के बीच विभवांतर, एक बार आप यहां ध्यान दीजिए कि किसी भी परिपथ में फ्लो होने वाली करंट और लगाए गए वोल्टेज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई और चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यहां से अगर इसका मात्रक निकाला जाता है तो V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है और I जो है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि वोल्ट प्रति क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी एक ये वोल्ट प्रति क्या हो गया? एम्पियर। यह हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो वोल्ट प्रति एम्पियर है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अब बात आती है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसी से जुड़ी हुई हेडिंग है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं यहां पर थोड़ा सा।
ठीक। तो अब पॉइंट यहां पर यह है कि 1 ओम की बात, किसकी बात है, 1 ओम प्रतिरोध की। ठीक, अब अगर हम 1 ओम प्रतिरोध की बात क्लियर करना चाहें यहां पर, तो बहुत आराम से, बहुत प्यारे अच्छे तरीके से हम लोग 1 ओम प्रतिरोध यहां क्लियर कर सकते हैं। वो क्या है, यहां आपने व्यंजक देखा आर इक्वल टू वी अपान आई। यदि आई इक्वल टू 1 हो, यदि आई इक्वल टू क्या हो प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर हो, और वी इक्वल टू 1 वोल्ट हो। ठीक, अब अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें, ऐसे समझिए, ये कोई वायर ले लियो भैया ए और बी, और इनके जो बीच का वोल्ट है, इनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है, और जो बहने वाली धारा है आई वो 1 एम्पियर है। कितना है प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर। ध्यान से देखिए, यदि तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो और तारों के बीच लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस समय जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि तार में प्रवाहित धारा क्या पेरे बच्चों, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो, तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। तो प्रतिरोध 1 ओम या 1 वोल्ट प्रति एम्पियर जो भी कह सकते हैं, वो 1 ओम के बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप विद्युत प्रतिरोध का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर उसको हम मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, प्रतिरोध से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, अब इनमें आपको कभी कभी एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं बच्चों। किसे इनमें से सबसे पहला आता है, प्रतिरोधक। सबसे पहला आता है प्रतिरोधक। इनमें से सबसे पहली टॉपिक आती है प्रतिरोधक। ठीक, अब प्रतिरोधक किसे कहते हैं आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि किसी तार में करंट प्रवाहित हो रही, एक तार ये ले लिए, दूसरा तार ये ले लिए, इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा है, और इसमें भी करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक, अब इसमें हमने अमीटर जोड़ दिया, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, हमने इसमें वोल्टमीटर जोड़ा, तो अब ये क्या करेगा, अमीटर इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, कुछ ना कुछ तो रुकावट उत्पन्न करेगा। गैल्वेनोमीटर इसकी रुकावट उत्पन्न करेगा, वोल्ट मीटर इसके अंदर रुकावट उत्पन्न करेगा, साथ में हमने तार को मोड़ दिया, तार को क्या कर दिया, मोड़ दिया। ठीक प्यारे बच्चों, तो बताओ धारा के मार्ग में आप रुकावट उत्पन्न कर रहे हो चारों प्रकरण में, इसमें भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किए हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, परंतु आप उत्पन्न किसके कारण कर रहे हो, किसी पदार्थ द्वारा। तो धारा के मार्ग में जिस पदार्थ के कारण या जिस पदार्थ के द्वारा रुकावट उत्पन्न किया जाता है, वह पदार्थ ही प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। जैसे यहां प्रतिरोधक का काम कौन कर रहा है, अमीटर कर रहा है, यहां कौन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कर रहा है, यहां कौन कर रहा है, वोल्ट मीटर कर रहा है, यहां कौन, तार को जो आपने मोड़ दिया है, ठीक, वो कर रहा है। तो भैया हम कह सकते हैं प्रतिरोधक क्या होता है, कि वह पदार्थ जिनके कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाए वो प्रतिरोधक कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप प्रतिरोधक की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आपको प्रतिरोधक की परिभाषा स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या समझ में आया या बोली गई परिभाषा आपको लिखना तो आप वो भी परिभाषा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है, नेक्स्ट टॉपिक आती है परिवर्ती प्रतिरोध। क्या आता है, परिवर्तीय प्रतिरोध। अभी पिछले वाले टॉपिक में परिवर्ती प्रतिरोध की चर्चा हुई थी, जरा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा और जान लेते हैं परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों। अब परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है कि, अब आइए थोड़ा सा इसके लिए हम भी एक छोटा सा डायग्राम बना के समझने का प्रयास करते हैं परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। तो गाइस, परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है कि जैसे आपने एक बैटरी लगा दिया, ठीक, और एक परिपथ में आपने धारा को फ्लो कराना स्टार्ट किया, और ठीक,
और इसमें आपने एक बल्ब वल्ब लगा दिए, और फिर उसके बाद ये कर दिए, और थोड़ा सा फिर उसके बाद आपने ये बना दिया ऐसे ना, फिर इसके ये परिवर्ती प्रतिरोध होगा। अब आप सोचो कि परिवर्ती प्रतिरोध करता क्या है, कैसे परिभाषा देंगे? गाइस परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है वो यहां पर दिखाई पड़, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। अब आखिर हम इसे परिवर्ती प्रतिरोध कैसे कहेंगे या क्यों कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध पहले बच्चों? तो देखिए ये क्या करता है, मान लीजिए जैसे बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्टेज, ठीक। अब हम अगर इस बैटरी के द्वारा बिना वोल्टेज को बदले हुए, इस बैटरी के द्वारा जो बैटरी 5 वोल्टेज करंट दे रही है, हम भैया इसको न बदले और तब भी धारा के मार्ग में परिवर्तन कर दे, तो यह इसे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। यानी आप समझो कि जैसे इसमें 5 वोल्ट, ये जो 5 वोल्टेज की बैटरी है, अगर ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, अगर इसको बिना परिवर्तित किए, यहां मतलब यहां से बिना कम किए बिना ज्यादा किए, मतलब बैटरी से छेड़खानी करना ही नहीं है भैया, मतलब आप कह सकते हैं कि हम कह दें कि इसको बिना बदले अगर धारा के मान को बढ़ाया जाए, धारा के मान को घटाया जा सके, तो वो प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक भी कहते हैं। अर्थात बिना स्रोत को बदले, जिस स्रोत से आप करंट ले रहे हो उसको बिना बढ़ाए बिना घटाए, जिस स्रोत से आप करंट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको बिना बदले अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। इसे धारा नियंत्रक के भी नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसकी भी परिभाषा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई पड़ा होगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हमारा आता है चालक। क्या होता है प्यारे बच्चों, चालक, इसको हम सुचालक भी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। चालक की बात करें या सुचालक की बात करें, तो चालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है पहले बच्चों, देखिए वे सभी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से ए सिरे से बी सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो जाए, वो चालक कहलाते हैं। चालक के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपके क्या आ जाते हैं, लोहे का आ जाता, लोहा आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, तांबा आ जाता है, जस्ता आ जाता है, प्यारे बच्चों बहुत सारे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक होता है, वो हमारे चालक या सुचालक कहलाते हैं प्यारे बच्चों। इसकी भी परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। चौथा है आपका कुचालक। क्या भैया, कुचालक, या हम इसे कहते हैं अचालक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अचालक कहते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, कुचालक या अचालक किसे कहते हैं। अब हम कुचालक और अचालक की बात करें, तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता, मतलब धारा, ये जो धारा आई है ये इस सिरे से इस सिरे तक नहीं जा पाएगा प्यारे बच्चों। यानी हम कह सकते हैं जैसे लकड़ी हो गई, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे कागज हो गया प्यारे बच्चों, इनमें धारा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अचालक कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जिनमें चालक का प्रवाह नहीं, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वो अचालक कहलाते हैं, ठीक। जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी, टेबल, कागज, प्लास्टिक। और फिर अगला होता है प्यारे बच्चों अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है, अब प्यारे बच्चों अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु अगर अर्ध ताप बढ़ा दे, ताप क्या कर दे, बढ़ा दे, तो धारा का प्रवाह होने लगता है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि ये आपने कोई पदार्थ ले लिया, जैसे सिलिकॉन ले लिए, क्या ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, ठीक। अब इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो नहीं होगा, ये I0 होगा, धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, परंतु जैसे ही इस तार का ताप बढ़ा दोगे, तार का टेम्परेचर बढ़ा दोगे प्यारे बच्चों, तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, अर्थात धारा क्या हो जाएगा, बहने लगेगा। तो यही ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। ऐसे में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके क्या है भैया, अर्धचालक होते हैं। तो हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, परंतु ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होने लगता है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। सभी के परिभाषा आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे थे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझने में बहुत ही आसान लगा होगा और बहुत ही आसान है भी प्यारे बच्चों। अब इसी से रिलेटेड आपकी कुछ और टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि वो टॉपिक हमारी क्या है,
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध और साथ में ओम के नियम। ये तीनों टॉपिक आपको शनिवार की क्लास में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। आप उम्मीद है कि आप वो भी क्लास नहीं मिस करेंगे। और यदि आप आज की वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।